ने आज अवामी वजीर आजम होने का सबूत किया है और इसका बाकायदा मुजाहरा भी आज देखने में आया। वजीर आजम इमरान खान बगैर प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के इस्लामाबाद में अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़े और खुद ड्राइव करते करते मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए खास तौर पे श्रीनगर हाईवे पे वजीर आजम इमरान खान खुद गए। इस मौके पर चेयरमैन CDA को जब खबर पहुंची तो वो भी वहां पहुंच गए। मुख्तलिफ इलाकों में चेयरमैन CDA ने वजीर आजम को ब्रीफ किया। इस मौके पर वजीर आजम के हमराज सेनेटर फैसल जावेद भी थे। वजीर आजम ने मुख्तलिफ पार्क का दौरा किया और वहां पे जायजा लिया। इसके साथ साथ वजीर आजम इमरान खान एहसास रेडी बान मरकज जो है G11 मरकज वहां पहुंचे और उस रेडी बान मार्केट में वजीर आजम ने कुर्बान रेडी बान समेत मुख्तलिफ रेडी बानों से सवाल किए और बड़े खुश थे रेडी बान के वजीर आजम इमरान खान साहब, आपने हमारा इस दौर में भी आपने एहसास किया। और इसके साथ साथ वो खुश भी थे। वजीर आजम इमरान खान इन लोगों में घुल मिल गए। एक बच्चे के साथ मुलाकात की, पकौड़े बनाने वाले, फ्रूट बेचने वाले इस मार्केट में जो आम लोग हैं उनके साथ वजीर आजम इमरान खान ने बातचीत की। इसके साथ साथ G10 मरकज में भी वजीर आजम इमरान खान पहुंचे और I-9 में खास तौर पे जो I-9 में सीवरेज प्लांट है उसका भी जेर तमीर प्लांट उसका भी वजीर आजम ने मुशाहिदा किया। इसके साथ साथ कोरंग जेर तमीर जो क्रिकेट ग्राउंड है वजीर आजम इमरान खान वहां भी गए। ना सिर्फ पोस्ट एरिया में बल्कि आम एरिया जिसमें G11 G10 और इसके साथ साथ I-9 वो इलाके हैं जो बिल्कुल आम है वहां वजीर आजम इमरान खान पहुंचे। और इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ने मुख्तलिफ मंसूबे भी देखे, शाहराहों के जो जेर तमीर मंसूबे हैं वो भी देखे। इसके साथ साथ वहाँ मजदूर जो लोग हैं उनके साथ भी वजीर आजम ने बातचीत की, घुल मिल गए। कुछ चीजें फुटेज में मौजूद है और कुछ चीजें फुटेज में नहीं है। वजीर आजम इमरान खान ने तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक शहर का दौरा किया और किसी को बाकी आम लोगों को खबर तक ना हुई। जो लोग पहुंचे वो भी ब्रीफिंग देने के लिए वहां पे पहुंचे और दौड़ लग गई मुख्तलिफ सिक्योरिटी इदारों की। वजीर आजम इमरान खान का जो अपना सिक्योरिटी स्टाफ था उसमें से एक भी एहलकार इस दौरे में वजीर आजम के हमरा नहीं था और किसी को खबर नहीं थी कि वजीर आजम कहाँ पहुँच रहे हैं। वजीर आजम के का इंतखाब सबसे पहले वो रेडी बांध थे जो एहसास प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ मराकज में फ्रूट बेच रहे हैं और आम छोटे छोटे स्टॉल लगा के अपने कुनबों को पाल रहे हैं। वजीर आजम पहले उनके पास गए और उनसे वजीर आजम ने खुद मुशाहिदा किया, उनसे बात की कि क्या ये एहसास के तहत लगे हैं। उसके साथ साथ वजीर आजम ने उनसे खुद भी बात की मजदूरों से। इसके अलावा मुर्गदार के करीब जो ट्रेल 4 है 5 उसके करीब भी वजीर आजम पहुंचे। इसके अलावा आप देख सकते हैं पोली क्लिनिक के साथ ही जुड़ा अर्जेंटीन पार्क है। इस पार्क को पहले हॉस्पिटल बनाया जा रहा था लेकिन अब ये पार्क जो है वो अपनी उसी हालत में मौजूद है, बल्कि अब वहाँ पे फूल लगे हुए हैं। वजीर आजम ने वो भी जाके मुशाहिदा किया और उसका भी जायजा लिया। इसके साथ साथ वजीर आजम श्रीनगर वजीर आजम ने बगैर प्रोटोकॉल इस्लामाबाद का दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने फैसला किया शहरे इक्तदार की हालत ज़ार जांचने का और अचानक बगैर प्रोटोकॉल शहर के दौरे पर निकल पड़े। इमरान खान ने खुद गाड़ी ड्राइव की और मुख्तलिफ इलाकों का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने एहसास रेडी बान मार्केट, अर्जेंटाइन पार्क, ट्रेल 5, मरगजार और मार्गला रोड का दौरा किया। दौरे में शजरकारी मुहिम के दौरान लगाए गए पौधों और मुरम्मत शुदा सड़कों समेत दीगर उमूर का जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म के साथ मौजूद चेयरमैन CDA आमिर अहमद अली ने वज़ीर-ए-आज़म को तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी। तमाम सफर के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के अमले का कोई अहलकार उनके हमराह नहीं था।